हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमएस ऑफ ऑफिशियल। आइए फ्रेंड्स, अब इसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो बात किया हुआ था वो ये था कि गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो वो रहा आपका इलाहाबाद में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो ये है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं, तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई इस समय कितनी है, तो 7,500 किलोमीटर है। इसके बाद मेगस्थनीज किसका राजदूत था, वो था सेल्यूकस का। कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो वो है जो है केरल। अगर केवल हम कथक की बात करते, केवल कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का होता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर केवल कथक होता तो वो उत्तर प्रदेश का होता, अगर कथकली है तो केरल का है। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन आपके गोदावरी नदी के किनारे बसा है। दल बदल कानून कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 1985 ईस्वी में। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, जीके जीएस की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ कुछ कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आज हम इस बारे में भी बात किया जाए कि कुछ कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस को तैयार कर लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, तो वहाँ पे है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है, तो वो की जाती है आपकी मेगा हर्ट्ज में। इसके बाद है वर्ड में इंसर्शन पॉइंट का क्या निर्दिष्ट करता है, तो वर्ड में जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे, और वो हमेशा ब्लिंक करते रहता है, उसी को हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर टेक्स्ट को इंटर किया जाएगा। देरी से बचने के लिए अगला डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज सबसेस का जो नाम है वो होता है कैश। प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग कमांडो या स्टेप्स के सेट को कहते हैं मैक्रो। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो वीडियो एडिटिंग। यहाँ पे जो पिक्चर लिखा है वो पिक्चर होगा। यदि आप वर्ड में रिसीव के बजाय रिव्यू टाइप करेंगे, उसमें कौन अपने आप में बदल देगा, तो ऑटो करेक्ट बदल देगा। ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है तो, हालांकि ये मोबाइल में भी आने लगा है। कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को निर्दिश करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, तो मल्टीपल यूज़र लाइसेंस। बहुत से पीसीज का मतलब यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर है। वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम्स के कलेक्शन होल्ड करने वाला सेंट्रल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर, उन्हें हम सर्वर के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है, उनके बदलने पर बदल जाता है, तो फील्ड्स, डेटा स्टोर करने और परिकलन करने के लिए कंप्यूटर किस तरह के नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, तो वो प्रयोग करता है आपके बाइनरी सिस्टम का। इसके बाद है कि डिस्क कंटेंट और जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूज़र द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता, वो कौन सी मेमोरी कहलाती है, वो कहलाती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। इसे हम रीड ओनली मेमोरी को कहीं कहीं आपने देखा होगा, तो ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा ROM, तो ये इसको रोम पढ़ते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप कभी घबराएं ना, अगर रीड ओनली लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो रोम की ही बात कर रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश जिससे वह अपनी गलती पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त करना कर ले, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिशिंग ट्रिप्स। इसके बाद अगला है वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या बोलते हैं, तो वेबसाइट के मुख्य पेज को हम बोलते हैं होम पेज, इसे हम होम पेज का नाम देते हैं। अगला सवाल है कि मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, वो कहलाता है टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बार कोड। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से चीज़ें बन के आती हैं, तो इसे हम बार कोड बोलते हैं। फिर एक कंप्यूटर में बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकल सकते हैं, तो निकल सकते हैं मेमोरी से। उसके बाद है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है, उसे हैकर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था
वीडियो जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड भी बात किया, थोड़ा सा जीके का भी बात किया। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि भूगोल प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, केवल NTPC के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे हम वीडियोज़ को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मिलते हैं जल्द ही, धन्यवाद।